इक्वालिटी, समता समरसता। हमारी भारत भूमि, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय राष्ट्र हर बारे में संपन्न है। हम संसार के किसी भी देश से गरीब नहीं है, हम संपन्न लोग हैं, ध्यान रखना। जो समृद्धि, जो विचारों की समृद्धि, जो आचार की समृद्धि, जो दृष्टिकोण की समृद्धि भगवान वेद ने हम लोगों को प्रदान की, ऋषियों ने जिसको हम लोगों को दिया, हमारे आचार्यों ने घूम घूम करके जिसका प्रचार किया, लेकिन बीच में एक अंधकार युग आ गया, हम लोग तमिश्रा में डूब गए। और ऐसी अवस्था में हमारे देश का पुनर्जागरण हो रहा है, और इस पुनर्जागरण की अत्यंत विलक्षण मंगल बेला में भगवान रामानुजाचार्य महाराज का दिव्य विग्रह, स्वर्णमय विग्रह केवल स्थापित नहीं हो रहा है मित्रों, वास्तव में भारत का सुवर्ण युग पुनः आरंभ हो रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मैं वंदन करता हूं कि स्वर्ण युग का आरंभ उन्होंने किया। क्या है हमारा देश, आपने देखा, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी दौड़ते हुए यहां पर आए, हमारे महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी पधारने वाले हैं, और किसके बुलावे पर, जिस हमारे स्वामी जी के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं है, एक सामान्य सा वस्त्र है और हाथ में एक दंड है, यह धर्म का दंड है, ध्यान रखना। पृथ्वी समुद्र पर्यंत आया एकराट, संपूर्ण भूमंडल के सम्राट भी हमारे आचार्यों के समक्ष, हमारे ऋषियों के समक्ष नतमस्तक होते थे, और कैसे नतमस्तक होते थे इसका उदाहरण हमने अपनी आंखों से कल देखा। हम धन्य हैं कि हम इस क्षण के साक्षी हैं, और भारत माता अंगड़ाई ले रही है। निश्चित रूप से ली जाने वाली यह अंगड़ाई हमारे देश के उत्थान का सूत्रपात बनेगी। हमारे संपूर्ण सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, उन सबको एकत्रित करने का महान संकल्प पूज्य स्वामी जी ने किया, और वो साकार हो रहा है। मैं यहां पर अभिनंदन करने के लिए आया हूं। किसी न किसी को तो भगवान निमित्त बनाते हैं। मैंने पूज्य स्वामी जी के प्रवचनों में एक बात सुनी, वे बार बार एक बात कहते हैं कि हम यज्ञ नहीं करते हैं, भगवान यज्ञ कराते हैं। हम सब कुछ जानते नहीं हैं, सब कुछ जानने वाले तो भगवान हैं। उसी प्रकार वे यही कहेंगे कि यह तो भगवान की कृपा से हो रहा है, लेकिन भगवान ने भी कृपा करने के लिए पूज्य स्वामी जी को चुना है, यह अत्यंत महनीय बात है। और इसलिए अत्यंत आह्लादित अंतकरण से इस अत्यंत विशाल, अत्यंत विस्तृत और वेद की परंपरा की रक्षा करते हुए रेखा मातम विक्षुण्णा आमनोर वर्तमन परम, ऐसा जो वर्णन महाकवि कालिदास ने किया, हमारे वेदों ने जो परिपाटी डाल दी, हमारे वेदों ने जो आचार संहिता सिखा दी, उसका जरा सा भी उल्लंघन किए बिना स्वयं सभी को अपने साथ में लेकर के भारत माता की इस अनोखी सेवा में चले हुए पूज्य स्वामी जी महाराज के
अनुगामी होकर के हम सब लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं। पूज्य स्वामी जी तो जन्म से ही धन्य हैं, लेकिन आप और हम सब लोग धन्य हैं कि हम स्वामी जी के साथ मिलकर के इस काम में सेवा के रूप में लगे हुए हैं। यह मेरा भाग्य, यह आपका भाग्य। मुझे मिलते ही कल प्रधानमंत्री जी ने पूछा, आपको यहां पर देख करके मुझे नहीं लगा था कि आपका दर्शन यहां पर हो जाएगा। उनका यह सोचना अचानक उन्होंने देखा इसलिए होगा, लेकिन मैंने उत्तर दिया कि स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेम के बंधन में सबको बांध लिया है, इसलिए हम लोग यहां पर हैं। यह प्रेम का बंधन, यह प्रेम का विस्तार। पूज्य महाराज ने जिन भगवान रामानुजाचार्य महाराज के अनुयायी के रूप में किया है, उनकी कीर्ति तो, उनकी महत्ता तो शब्दों से भी वर्णनातीत है। सर्वे प्रपत्तिरधिकारिणो मताः, ऐसा कहकर के उन्होंने प्रपत्ति का, शरणागति का यह मार्ग सारे संसार के लिए खुल करके बांटा। इतना खुल करके कि अपने आप सारा का सारा समाज उनका अनुगामी हो गया। ऐसे आचार्य हम लोगों को चाहिए, ऐसे पीठाधीश हम लोगों को चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि इस प्रकार के सभी जीवन स्वामी महाराज खड़े हो जाए तो देखते देखते हमारा पूरा देश बदल जाएगा और भारत माता का उत्थान शीघ्रता से होगा। रोड मुझे आपके सामने किसी न किसी प्रकार की सेवा करने के लिए खड़े होना है, बोलना है, इसलिए आज दिए हुए समय की मर्यादा में इतना ही कहकर के और